हेलो, आई एम डॉक्टर विनीत सांकला। मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज ए कार्डियोलॉजिस्ट सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद गुजरात इंडिया में। टुडे आई विल स्पीक ऑन अक्यूट हार्ट अटैक और उसका ट्रीटमेंट। जब भी आपको हार्ट अटैक डायग्नोज होता है, घबराइए मत। सबसे पहले आप नज़दीक के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। यूजली इसके दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, एक जो हम मेडिसिन देते हैं ब्लड क्लॉट को घुलाने के लिए, दूसरा है पामी, जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पामी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम एक स्पेशल तरीके की मशीन होती है कैथलैब, जहां हम पेशेंट को ले जाते हैं एक ऑपरेशन थिएटर में, जहां यह कैथलैब अवेलेबल होती है, और हम कैथलैब के अंदर एंजियोग्राफी करके इस हम नली को खोल देते हैं। यूजली ये बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हमारे सिम्स हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है, और जितना जल्दी हम पामी कर सकें उतना जल्दी पेशेंट की हार्ट हम सेव कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिम्स हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट आता है, विद इन 30 मिनट्स हम उस पेशेंट को टेबल के अंदर कैथलैब के अंदर ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे 24 घंटे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, ऑन कॉल सारा स्टाफ अवेलेबल है। जैसे ही पेशेंट आता है, डायग्नोस होता है हार्ट अटैक, हम उनको कैथलैब में लेते हैं, तुरंत हम विद इन 5 मिनट्स हम उसकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं। एंजियोग्राफी में हमको पता चलता है कि किस नली में ब्लॉक है, और उस ब्लॉक को खोलने के तरीके हैं, हम उसका बलूनिंग करते हैं, हम उसमें स्टेंट डाल देते हैं, और विद इन 1 आवर पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके, टाइम इज़ द मसल, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। मोर देन 95% चांस है कि आपकी आर्टरी खुल जाएगी, आपका हार्ट सेव हो जाएगा, अगर आप पामी के अगर आप उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पामी अवेलेबल है। आफ्टर द ट्रीटमेंट हम 1-2 दिन आईसीयू में रखते हैं, और विद इन 7 डेज 4-5 डेज पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यूजली बड़े हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है सिम्स हॉस्पिटल के अंदर, तो आप मेक श्योर करिए कि आप जितना जल्दी हो सके आप हमारे पास आइए, और हम जितना जल्दी हो सके ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करें। प्लीज सेव योर हार्ट एंड सेव योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।